इडली केक? जी हाँ, इडली केक। आज तक आपने कई बार इडली खाई होगी, परंतु तो आज हम बनाएंगे इडली केक बिना सोडा, बिना इनो, होममेड बैटर से। निशा खत्री के साथ दिल से बनाइए अपनी रसोई में इडली केक बहुत ही आसान विधि से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हम 1 कप कोई भी चावल लेंगे और आधा कप उड़द की दाल। इन दोनों को बहुत अच्छे से 2-3 पानी से धोएंगे और फिर साफ पानी डालकर 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। सुबह के समय अगर आप भिगोते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, ताकि शाम तक हम इसे पीसकर और रात भर फर्मेंट करने के लिए रख सकें। 8 से 10 घंटे के बाद हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से भीग चुकी है। मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी दाल भी डाल दी थी, 1/2 टीस्पून के करीब। अब हम इसे अलग अलग ग्राइंड करेंगे। देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, दरदरा सा पीसना है हमें और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। इसको किसी बर्तन में खाली कर लेंगे जिसमें कि हमें इसे फर्मेंट करना है। इसी तरह से हम उड़द दाल को भी पीस लेंगे। इसे भी दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा पानी अभी नहीं डालना है। आवश्यकता के अनुसार पानी हम बाद में ही डालेंगे। दोनों को अब हम एक साथ कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इन्हें। इन्हें साथ साथ कभी नहीं पीसना चाहिए। इस तरह से अच्छे से मिलाकर और थोड़ा सा पानी हम मिक्सी में डालकर और उसका पानी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कंसिस्टेंसी का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह से इसे अच्छे से मिलाते हुए इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। नमक डालने से फर्मेंटेशन अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसमें नमक ना डालें, थोड़ा है एक बार के लिए तो उसमें नमक डाल दें। इस तरह से इसे हम रात भर के लिए फर्मेंट करने के लिए एक तरफ रख देंगे। ये देखिए सुबह कितने अच्छे से ये फर्मेंट हो चुका है, पूरी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। ना हमने इनो का यूज़ किया, ना हमने सोडे का यूज़ किया। केक बनाने वाले बर्तन में हम घी अप्लाई करेंगे। अब हम इसमें इडली का जो बैटर था उसको डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा अगर बचता है तो हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, इडली स्टैंड में इडली भी बना सकते हैं। तो मैंने इडली स्टैंड में ही उस प्लेट के ऊपर बर्तन को रख दिया और इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रखा। 15 मिनट के बाद में ये पक कर देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है, बिना सोडा बिना इनो ये बनकर तैयार हो चुका है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब चारों तरफ से चाकू की मदद से इसे निकाल देंगे। इस तरह से करते हुए किनारों से अलग कर लेंगे। इस तरह से देखिए चारों तरफ से हम इसे अलग कर लेंगे। अब एक प्लेट की सहायता से इसे पलट लेंगे तो देखिए कितना सुंदर लगने लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा हिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से हमारा इडली केक बनकर तैयार है। पर अभी कुछ और भी बाकी है। सांभर एक कटोरे में भरकर बीच में रखें, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एक अलग से डिश लगने लगती है। तो इडली से अगर आप बोर हो गए हैं तो इडली केक बनाइए, आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और चौंका दीजिए। बिना इनो बिना सोडा होममेड बैटर से इडली केक बनाइए, खाइए खिलाइए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।